एक क्वेश्चन और है, वो ऐसा है कि एक एपी है और उसमें एक सेवेंथ टर्म का जो सेवन टाइम्स है, सेवेंथ टर्म का सेवन टाइम्स इज इक्वल टू दिया है इलेवेंथ टर्म का इलेवन टाइम, मतलब ये दिया है और आपको एटीन्थ टर्म निकालना, और ये एपी है, एक ही एपी के सारे काम है ये। तो आपको करना क्या है, आपकी इक्वेशन तो दी है, उसमें बोला है ना कि सेवेंथ टर्म इज सेवन टाइम्स द सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू द इलेवेंथ टाइम द इलेवेंथ टर्म। सो आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द एटीन्थ टर्म, ठीक, आपकी एपी है। यू नो डैट द फॉर्मूला ऑफ ए एन इज इक्वल टू एनथ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ईजिली पुट द वैल्यूज। सो इन प्लेस ऑफ सेवन, ए सेवन, वॉट यू कैन राइट, ए प्लस सेवन माइनस वन मीन्स सिक्स, सिक्स डी। एंड हियर इन दिस केस ए प्लस इलेवन माइनस वन मतलब टेन, टेन डी। नो ओपन द ब्रैकेट, इट इज सेवन ए प्लस सेवन सिक्स फोर्टी टू, फोर्टी टू डी इज इक्वल टू इलेवन ए प्लस इलेवन इंटू टेन वन वन जीरो डी। सो ए सारे डी एक साइड ले जाओ, सारे ए एक साइड ले जाओ, तो या फिर सबको एक साइड ले जाओ, मर्जी है। तो ये इधर लिया फोर्टी टू डी माइनस वन वन जीरो डी इज इक्वल टू इलेवन ए माइनस सेवन ए। सो आउटकम कितना आएगा, आउटकम आएगा इसका आ जाएगा एट और ये आ गया सिक्स, सिक्सटी एट, हाँ सिक्सटी एट, ठीक है सिक्सटी एट, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वन वन जीरो बड़ा है। तो डी, अब सात में से ग्यारह में से सात गया, कितना बचा फोर, फोर ए। सो अब आप यहाँ पे इवेल्यूशन होगा, होगा फोर वन जो फोर ट्वेंटी एट सेवनटीन डी, तो ए आ जाएगा आपका माइनस सेवनटीन डी। ए और डी का रिलेशन आ गया, एक आगे बात हमको सॉल्व करके यही आया अब तक। हमें निकालना है एटीनथ टर्म, अट्ठारहवा टर्म कितना होगा, एटीन टर्म कितना होगा, ठीक है। तो ए एटीन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मतलब सेवनटीन डी, ये हो गया। अब ए एटीन, अब ए क्या निकाला था, माइनस सेवनटीन, माइनस सेवनटीन डी, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखो इधर, ये जो ए हमने निकाला था यही ए हमने यहाँ पे पुट करा है, तो ए एटीन इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो गए, जीरो, तो ज़ीरो होगा। सो दिस इज द आंसर।